हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड देखिए, हमारे पास ये एक GTPL का एक सेट टॉप बॉक्स है। तो ये एक नॉर्मल सा सेट टॉप बॉक्स है, तो इसको हम जो है आपको टीवी के साथ कनेक्ट करके दिखाएंगे। तो किस तरह से इसको सेट करते हैं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो इस वीडियो के साथ बने रहे। तो सबसे पहले मैं सेट टॉप बॉक्स को यहाँ से खोल लेता हूँ। तो सेट टॉप बॉक्स देखिए, GTPL का ये सेट टॉप बॉक्स है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ठीक है। तो ये एक छोटा सा रिसीवर है, उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपका बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे आपका केबल का वायर जो है लगता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये वीडियो पोर्ट लगता है, और ये आपका दोनों दिया गया है LR के लिए। तो ये ऑडियो कनेक्शन है। यहाँ पे आप जो है पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका चार्जिंग का वायर लगेगा, और ये आपका और एक चार्जर का पोर्ट दिया गया है, तो आप यहाँ पे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से अगर हम यहाँ पे सामने फ्रंट की अगर बात करें, तो यहाँ पे आपका एक नॉर्मल से LED का लाइट दिया गया है। अगर यहाँ कहाँ कर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम माइनस प्लस, और आप जो है यहाँ पे चैनल को यहाँ से जो है चेंज कर सकते हैं। ये आपका दिया गया है, और यहाँ पे ये पावर का बटन दिया गया है। तो सिंपली यहाँ पर आपको खोलने के बाद आपको तो यहाँ पर देखिए एक पावर सप्लाई दिया गया है। तो ये आप सेट टॉप बॉक्स के साथ कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, तो एक रिमोट आपको यहाँ पे सेट टॉप बॉक्स की तरफ से GTPL की तरफ से दिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, तो एक केबल का वायर दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं इसको कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ, तो इसको किस तरह से करना है। तो सिंपली मैं इसको खोल लेता हूँ। यहाँ से इसको खोल लेने के बाद मैं इसको कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ किस तरह से इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं इसको खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर सबसे पहले योलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है केबल का वायर लगाना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये जो केबल का वायर है आपका, तो इसको यहाँ पे इसको लगा लेना है। तो आप इसको आराम से लगा लीजिए। इसको लगा लेने के बाद मैं इसको दिखाता हूँ किस तरह से इसको लगाना है। तो मैं सिंपली यहाँ से इसको लगा लेता हूँ। इसको लगा लेने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे ये जो वायर दिया गया है AV का, तो इसको लगाना है येलो में, येलो को लगाना है, ठीक है। तो आपको कलर में कलर को लगा लेना है, वाइट में वाइट को, रेड में रेड को लगा लेना है। तो ये तीनों लगा लेने के बाद आपको यहाँ पे जो ये पावर का यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसको यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से इसको कनेक्ट कर लिया अदरवाइज़। तो यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से पावर को पावर में लगा लेता हूँ। तो ये सिंपली आपको लगा लेना है इस तरह से। उसके बाद मैं यहाँ पे TV को कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से लगा लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे जो ऑप्शन देख पा रहे हैं आप, नज़दीक नज़दीक लेके जाना है, तो TV में जाना है। TV में जाने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वीडियो, योलो में वीडियो, तो आप कलर के हिसाब से यहाँ पर लगा लीजिए, ठीक है। तो ऑडियो में ऑडियो को लगा लेते हैं हम यहाँ से। तो यहाँ पे लगा लिया। उसके बाद सिंपली मैं यहाँ से जो है यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद मैं TV को अगर ऑन करता हूँ, ये स्विच यही है, यहाँ पे देखिए हमारा लाइट जो है चला आया है। तो हम इसको यहाँ से ऑन करेंगे। तो यहाँ से ऑन करने के बाद देखिए हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पे हमारा ये जो है ऑन नहीं हुआ है, इसीलिए नहीं आ रहा। तो सेट टॉप बॉक्स पे भी लाइन आना चाहिए, नहीं तो आपका नहीं होगा। तो सिंपली यहाँ से मैं सेट टॉप बॉक्स को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पावर का स्विच शायद बंद कर दिया है। तो फाइनली देखिए हमारा ये शायद ये ख़राब है, इसलिए नहीं आ रहा। यहाँ पर देखिए मेरा ये लाइट जो है सेट टॉप बॉक्स में आ चुका है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको TV में AV को सिलेक्ट करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे AV को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे AV को सिलेक्ट करने के बाद देखिए हमारा ये GTPL का सेटअप बॉक्स जो है ये आ चुका है। तो फाइनली देखिए यहाँ पे आ चुका है, तो इस तरह से आएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पे ये जो रिमोट दिया गया है सेटअप बॉक्स की तरफ से, तो इसको आप कनेक्ट कीजिए, तो आपका चैलेंज जो है आ चुका है। तो इस तरह से जो है आप अदरवाइज इसको कर सकते हैं। तो आपको उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू।